Hi, Namaste, welcome back viewers, welcome back to my channel Vincheda. कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे ऑप्शन में निकाल से, यानी कि ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करना है, परफेक्ट एंट्री और एग्जिट और करेक्ट एग्जिट पॉइंट कहाँ से आपको पिक करना चाहिए. आज की वन साइड मोमेंट बैंक निफ्टी देखोगे तो यानी कि सबको यानी कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा, उतना अच्छा ट्रेड था. अभी तक मार्केट बाई में ही जा रहे हो, सेल में जाने का नाम ही नहीं ले रहा, वन साइड मोमेंट दिया है. कल की जो क्लोजिंग में जो बाई की एंट्री मिली थी वही कंटिन्यू करके आज चला यानी कि मार्केट गया है. तो उसमें हमने 48,000, 48,200 और 300 इन द मनी एट द मनी आउट सब निकाल के रखा है. तो इसमें आपको 48,000 की यहाँ पे देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट यानी कि आज की ब्रेकआउट 502 में मिला था. वहाँ से सीधा मार्केट अभी तक 991 चल रही, फिर भी मार्केट ऊपर गया है लगभग 1012 यानी कि 1012 तक गया है. तो उतना तक मार्केट आने के बाद थोड़ा पुल बैक आके फिर से अगेन मार्केट वही लेवल में चल रही है, बाई ही है, सेल जाने का नाम ही नहीं. अभी मार्केट पुल बैक दिया है पर यहाँ पे आपको सेल नहीं ले सकते, मार्केट अगेन ऊपर जाने के लिए ही कोशिश कर रही है. काफ़ी अच्छा ट्रेड था ऑप्शन में, यानी कि बढ़िया परफॉर्मेंस यानी कि बढ़िया ट्रेड आज मिला है, बहुत अच्छा यानी कि पैसा कमाने का मौका, अच्छा यानी कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने का बहुत बढ़िया मौका था आज बैंक निफ्टी में. तो इसमें कहाँ तक होल्ड करना है ये कैसे मालूम है, एग्जिट पॉइंट कहाँ से पिक करना चाहिए वो सब कुछ आज बताएंगे हम. तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी की फ्यूचर चार्ट है, ये क्या चार्ट है, इसमें यहाँ पे आप देखूंगी तो ये लेटेस्ट वर्षन 8.1 की स्ट्रैटेजी के आपको मैं अब आपको दिखा रही हूँ. इसमें टोटल 8 स्ट्रैटेजी है, पहले वर्षन से लेकर 8 तक सब यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे वर्क करते लाइव में आपको वन डे फ्री ट्रायल के थ्रू आपको दिखाया जाएगा. तो यहाँ पे आप देखिए तो फिलहाल की रेट यहाँ पे दिख रही हूँ, इसमें रेड कलर सेल है, ग्रीन कलर बाय है. जैसे ही सिग्नल देगा अलर्ट मैसेज आएगा और साथ में लेटेस्ट सिग्नल जो भी मिलते हैं उसका डिटेल्स आपको ऊपर, टाइमिंग, एंट्री पॉइंट, टारगेट होता है, तीन टारगेट. इसमें एंट्री लेने के पहले से कंफर्मेशन चेक करना है, कैंडल कलर और नीचे का कंफर्मेशन बार और प्राइस एंड बाय जोन तीनों ओके है. नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले लेना. आज ओपन हुआ था ये कैंडल पे तो वहाँ से मार्केट सीधा 2-3 कैंडल ऊपर चढ़ गए थे. तो यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर में वहाँ पे रेसिस्टेंट भी तोड़ दिया है, वो रेसिस्टेंट पॉइंट नेक्स्ट कैंडल में वहाँ पे एंट्री ले सकते थे, वहाँ से सीधा ऊपर गया है. बहुत बढ़िया ट्रेड था, बहुत अच्छा यानी कि पॉइंट हाँ अच्छा. अभी तक मार्केट यानी कि लगभग 9000 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट चढ़ चुका है ऑलरेडी. दोबारा यहाँ पे देखिए पुल बैक आने के बाद फिर से अगेन यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट ने मोड़ा है, तो वहाँ से ही मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही हूँ. और इसमें आप 48,300 की जो कॉल ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में सेल आए थे, सेल कंफर्म नहीं था, दोबारा ब्रेकआउट लगभग 658 में वहाँ से 769 तक गए थे. काफ़ी अच्छा ट्रेड था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हासिल करने के लिए भी मिला है. इसमें स्कैल्पिंग में एक नया बाइसिकल वहाँ पर मिला होगा, देख लीजिए यहाँ पे 703 में और 74 पॉइंट्स का प्रॉफिट. अभी दो टारगेट अच्छी कि अभी भी मार्केट ऊपर जा रही है. स्कैल्पिंग कोई भी मार्केट हो, स्कैल्पिंग बहुत बढ़िया यानी कि मॉर्निंग और क्लोजिंग लेवल में बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा. इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है सिकल कन्फर्म हो एंट्री लो, सीधा कन्फर्मेशन के बिना एंट्री नहीं ले सकते. हमारे सॉफ्टवेयर में सिग्नल जैसे मिलता है यानी कि अलर्ट मैसेज मिलेगा और साथ में लेटेस्ट सिग्नल का जो भी डिटेल्स आपको ऊपर और नीचे मिलेगी. यहाँ पे लेटेस्ट सिग्नल बाय है, बाय कब दिया है सब कुछ ऊपर और नीचे लिखा है. इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है सिग्नल सीधा एंट्री नहीं ले सकते, कन्फर्मेशन चेक करने के बाद ही एंट्री लीजिएगा. लाइव मार्केट में आपको खुद देखेगा, थोड़ा आइडिया लगे कैसे वर्कआउट करते हैं. अगर सिग्नल कंटिन्यू चले, नया सिग्नल हाँ आपने कन्फर्मेशन करके लिया पर जो पुराना सिग्नल कंटिन्यू चल रही हो आपको वहाँ पे कन्फर्मेशन देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कन्फर्म है. इसके लिए हमने लिया हुआ है रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है यानी कि मार्केट ओपन होने के बाद रेसिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट दिया है, वहाँ से फिर से अगेन अप ट्रेंड ही जाएगा, उसी पॉइंट में सॉफ्टवेयर रीएंट्री देगा. यहाँ पे ये कॉर्नर में रीएंट्री सजेशन में रीएंट्री आएगा. ओके तो इसमें सिंबल है यूज करना. इसमें अगर सिग्नल लेने के बाद भी अगर मार्केट रिवर्स जा रहा है तो कल की जो पोजीशन है आप खुद ही देख लीजिएगा, बाई सिग्नल आने के बाद कंफर्म थे फिर भी मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गए थे. तो इस तरीके से पोजीशन एक्स्ट्रा कलर के जरिए आप पता चलने लग सकते हैं, एक्स्ट्रा कलर वहाँ पे आपको साइड में इंडिकेशन की इशारा दे रहे हैं. अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे री एंट्री लेवल यानी कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए सॉफ्ट ने फिर से एंट्री लेने का मौका दिया है. तो री एंट्री के थ्रू ये कॉर्नर में आपको कंटिन्यूएशन मार्केट में इस तरीके से री एंट्री मिलेगा.
ओके। तो इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो भी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द जो भी है, आपको जैसे मार्जिन के हिसाब से अपना सेट कर सकते हो। उसमें ऐड करने के लिए आपको व्यू में सिंबल्स में जाकर आपको वहां पे मंथली और कॉल ऑफ मंथली और वीकली का दोनों का ऑप्शन मिलेगा। जो भी ऑप्शन आप ऐड करना है ये साइड में वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो इसमें चार्ट ओपन करना काफ़ी सिंपल है। तो इसमें चार्ट ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए राइट क्लिक चार्ट विंडो और आपको टेम्पलेट में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम सेट करना है और 8.1 ऑप्शंस, ये ऑप्शन का टेम्पलेट ही सिलेक्ट करना है। इसमें देखिए वन साइड मोमेंट है, तो यहाँ से आज की ब्रेकआउट यहाँ पे मिले थे, तो आज की ब्रेकआउट यहाँ पे दिए थे, वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर अभी भी यानी कि 887 बाई में ही जाने के लिए कोशिश कर रही हो। ओके तो इसमें डेमो किसी को लेना है कैसे वर्कआउट करते हैं स्ट्रैटेजी लाइन में जानने के लिए कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा। थैंक यू।